गुड मॉर्निंग गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज मैं क्या करूंगा पता नहीं, क्या करूंगा। व्हाट हैपेंड, आज क्लास है बट ऑनलाइन क्लास है। अपना व्लॉग देख लो। हाँ व्लॉग देखता हूँ, कोई कमी पेशी हो तो बता देना। थिनाड़ आके अच्छा लगा पाके। ये कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर्स किसी को देने नहीं है। तो देखिए ये है मेरी अकेडमी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने नया फोन खरीद लिया है, वीवो का 5G है इसके अंदर। कंग्रेचुलेशन सर। कितने इसमें 50,000 मेगापिक्सल है। कितना बाल पे बैठी हुई जूं, और जूं के भी जो बाल है ना उसके भी ऊपर जो बैठी हुई जूं है उसका फोटो आ जाता है। चलो बढ़िया, चमक गया नूर का परा। मेरी वाली उसमें नहीं था व्लॉग में, बहुत बना दिया था इन लोगों ने मुझे बिठा के। ये देखो जय जा रहा है। जय ने निकाल ली अपनी स्कूटी और कवाड़ी वाली की आवाज आते हुए ओम साई राम। नहीं मेरे ठीक। ओ भाई सब चीकू चीकू नहीं आलू, आलू नहीं चीकू। चीनू है। चेतन आ गया ऊपर, देख लो हाय कर रहा है हाय। लोरेन को देखो, लोरेन को 350 जाते हुए अपनी ड्यूटी पे। ओए गुंडे आ जाओ ऊपर, चु बाय बाय। ओ देख दे मुर्गा लेके आ गया। वो आ गया ना पीछे, लोरेन आ गया। पर पोहा जो है हमारे घर में बनता नहीं, सच बात मैं आपको बताऊं। और ये तो मेरी जिद थी कि पोहा, क्योंकि मैंने देखता था कॉलेज में ना कुछ लोग लाती थी, कुछ लड़कियां जो थी मेरे दोस्त पोहा लाती थी और अच्छा लगता था खाने में। तो मेरी मम्मी को तो नहीं इतना, कभी हमने खाया नहीं था बचपन में, तो अभी से ही खाने शुरू कर रहे हैं। अभी क्या शायद 1 साल हो गया होगा। तो मुझे अच्छा लगता है पोहा, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्यार कैसे निकल रहा है इसका। यार वो निकल जाता है, कैमरामैन का प्यार है। इनका प्यार निकल रहा है पोहे में। कैमरामैन ने बनाया, मोजा आ गया मोजा। कैमरामैन को ना कैमरा होल्ड करने का तरीका नहीं पता। हो जाता यार, बैठने का मन करता थोड़ी देर। बैठ जाओ। पोहा तो नींबू डाल लो इसके अंदर, बहुत मस्त हो जाता है। इसमें डाल रखा है मैंने। मशीन की आवाज आ रही होगी आप लोगों को। देखिए इनको क्या हो गया, असल में हुआ क्या। आई एम ओके। नो यू आर नॉट ओके। आई एम ओके। नो थोड़ा सा इस एरिया में पेन हो रहा है, आई डोंट नो कि टॉन्सिल है या क्या, स्वेलिंग है, मसल पेन है, बट जो भी है अब मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि कई बार इनके दर्द हो चुका है। तो आई मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार दवाई फायदा ना करे ना तो सीधा मेरे साथ हॉस्पिटल चले। यार मैंने ये वाली बात बताई नहीं आप लोगों को, मतलब क्यों, क्योंकि फिर कभी ऐसा लगे कि यार ये दवाई खाता रहता है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम थी ये मुझे एक बार हो चुकी है यहाँ पर इधर, तो मैंने ट्रीटमेंट कराया, बहुत मेरे पैसे लगे इधर उधर, कोई थायराइड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने टेस्ट भी कराए, पर फिर ये मैंने बहुत यानी कि महीने भर मैंने दवाई खाई तब जाके यहाँ पर सही हो गया था, यहाँ से यहाँ तक दर्द होता था। उसके बाद में थोड़े दिन बाद लाइक आफ्टर 1 वीक ये सिचुएशन यहाँ आ गई, प्रॉब्लम सूज गया पूरी तरह से, इतना दर्द होता था बहुत ज़्यादा मेरे को। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उसकी जिससे इधर वाला सही हुआ था उसी दवाई से फिर इधर वाला नहीं सही हुआ, ये वाला प्रॉब्लम ये और बढ़ता चला गया। रात को बहुत यानी कि सुबह उठता था बहुत ज़्यादा दर्द होता था गले में ना। उसके बाद में भी जिस टाइम कुआँ पूजन था उस टाइम भी मेरी दवाई चल रही थी, हर्षिल वाली जो वीडियो थी ना पानी वाली बिखेरने, उस टाइम में दवाई खा रहा था यार। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, तो मैंने कट कर दिया था वाला पार्ट। तो आज जैसे ही मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ 5-6 दिन मैंने दवाई खाई, उसके बाद में अगले दिन मैंने 24 घंटे रेस्ट लिया, यानी कि जिस डॉक्टर से मैंने कराया था उन्होंने बोला कि हमसे 5-6 दिन दवाई खाओ उसके बाद में ठीक होगा, लेकिन जैसी दवाई छोड़ी दोबारा ये सूजना शुरू हो गया। तो आज मैं
दोबारा गया सुबह मॉर्निंग में, उन्हें बताया मैंने सारा कुछ, तो बोले भाई इससे आराम तो पड़ना चाहिए था, पर चलो उन्होंने चेंज करके दिए भी। फिर मैंने उनसे बोला कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो आप बता दो, फिर वहाँ चला जाऊँगा मैं, क्योंकि यार दर्द बहुत होता है इधर पूरा पेन बोलते बोलते भी। बस क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं बताता नहीं हूँ। ये तो है, लेकिन मैं बताऊँ मैंने इनका वीडियो क्यों बनाया, रीज़न क्योंकि एक तो मूड, एक तो अपसेट से लेटे हो मैं जैसे देख रहे हो, ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, और मैं भी कैमरा मैन भी अकेले कितना बोले, मुझे दूसरा लोग तो चाहिए ना कोई बात करने के लिए। तो मैंने कहा जो है जो बोलो जो भी है एटलीस्ट अपने बताओ, तो कम से कम सब्सक्राइबर्स को हो सकता है वही बता दे कि आपका किसी के साथ ये सिचुएशन हो चुकी हो, वही आपको सजेशन दे दे। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है जो है वो बोलो। तबीयत मेरा सुबह में रात को मेरे को फीवर हो गया, इसलिए मैं सुबह दवाई लेने भी गया था। फिर मैंने ये चीज़ बोली नहीं कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अच्छा अच्छा ही देखना चाहता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा ही दिखाऊँ। आप लोग प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती हैं, डिप्रेशन मेरे साथ भी हो जाता है, स्ट्रेस मेरे साथ भी हो जाता है, बहुत टेंशन भी रहती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एंटरटेन करता रहूँ। बट उससे क्या है ना, एक्चुअली ये इसलिए नहीं दिखाना चाहता, और अच्छी बात है कि नहीं दिखाना चाहता, वैसे लोगों के घर में टेंशन और मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को टेंशन दे दूं तो क्या फायदा है। एग्जैक्टली, नेगेटिव मेरी सोच थोड़ी ऐसी है, अच्छा अच्छा बताऊं, तुम लोग पॉजिटिव रहो हमेशा, एक ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से फटाफट ठीक हो जाऊंगा, मैं भी नहीं चाहता बीमार होना यार, आराम है। फिर भी इतना बोल ले दो, टच वुड। अब मैं गार्गल करूंगा, गार्गल क्यों ना लिया, लो पकड़ो कैमरा, मैं करता हूं, मैंने तो इधर लगा लिया यार, अभी गार्गल करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को, तो थोड़ी सी इसके अंदर नमक और हल्दी डाल देते हैं। बात सुन रहे हो इसकी, ओह गर्मा गर्म पानी, तो इसको मैं एक्सचेंज कर दे, नमक डाल दिया इसमें, हाँ। बहुत है यार इतना ज़्यादा। सो गाइस, आई हैव डन माय गार्गल्स, गले की सिखाई हो गई एकदम, और आई होप यार जल्दी सही हो जाए। सच बात बोलूँ मेरे को टेंशन हो गई थी, क्योंकि जब भी ये मेरे को प्रॉब्लम होती है ना, मेरे को फीवर चढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है गले में। और सच बात बोलूँ तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी, तो उसमें क्या था, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसके अंदर कि ऐसा हो तो ये सिम्टम हो तो कैंसर, कोई टीबी की गांठ, कोई कैंसर, बड़ा ध्यान से लेकिन यार मैं ऐसा ना हो किसी के साथ भी, मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा, उन्होंने बोला ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़े लो, खाओ पियो, ये हो गया पता नहीं किस वजह से हो रहा है इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन जब होता है पूरी मसल्स में, यहाँ से सूज जाता है, मोटी हो जाती है पूरी मसल्स, यहाँ तक पेन होता है पूरी तरह से, और उठने में सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बेनता और बुखार चढ़ जाता है। ये चीज़ जो है ना, ये बात थोड़ी सी बुरी सी लगती है। सुबह से मेरी हालत थोड़ी ऐसी थी, चेहरा देख के भी आप समझ सकते हो, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कुछ ऐसी एंटरटेन करता रहूँ, अच्छी चीज़ें ही दिखाऊँ आपको। तो गाइस मेरे आ चुके हैं आलू गोभी, या गोभी आलू आप इनको कुछ भी कह के पुकार सकते हैं, आलू गोभी, गोभी आलू। रोटी तो बड़ी सॉफ्ट है, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ, बेहतरीन सब्जी। यार एक बात बताऊँ, जैसे कि भी मैं दवाई खा रहा हूँ, आपको पता होगा, मैंने बता ही दिया वैसे तो इस व्लॉग में, तो मुँह का टेस्ट ना बहुत बुरा हो रहा है, अभी ये खा रहा हूँ ना चटपटी, सीरियसली इतना मज़ा आ रहा है ना, ये होंगे तो बहुत तेज मसाले, लेकिन मन जैसे होता है ना एकदम साफ सा हो जाना, बस ये ऑयली नहीं है लेकिन अभी, जैसे कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, हम गए थे कुछ गवर्नमेंट काम कराने के लिए, तो वो हो नहीं पाया, लेकिन कल अब दानिश जाएगा और कैमरा मैन जाएगा मेरा, तो इनको मैंने बता दिया, समझा दिया कैसे कैसे क्या करना है, तो कल ये लोग भी शूट करेंगे वीडियो, और जो यहाँ पर होता है मेरा डेली रूटीन वो तो मैं डालूंगा इसके अंदर। तो गाइस गोभी आलू इतने बेहतरीन बने हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप कोई चीज़ खा रहे हो और खाते खाते अगर आपकी आँख बंद हो गई ना, तो आप उसे मुँह से नहीं, आप अपने दिल से खा रहे हो, मेरे साथ हो रहा है इस टाइम, जैसे मैं इसका मुँह में लगता हूँ ना, सॉफ्ट नरम टेस्टी, यानी कि मुँह से नहीं, मैं इसको अपने दिल से खा रहा हूँ। मम्मी एकदम बेहतरीन बनाई है आपने गोभी आलू, मज़ा आ गया, मन साफ हो गया, मैंने इसे दवाई खा खा के हो रहा था ना मुँह बेकार सा, फीका फीका। तुम्हारी बात को फॉरवर्ड मैं करती हूँ, वो तो मम्मी वीडियो देख लेंगी, अब तो मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए, हैंड वॉश कर लूँ मैं फटाफट। कब है यार गोभी आलू? जय खा रहा है यहाँ पर सैलेड और फ्रूट्स, क्यों खा रहा है तू, मत खा, आप भी खा सकते हैं खाने से पहले फ्रूट्स एंड सैलेड। गाइस क्योंकि काम में यार पेंडिंग हो जाता है, तबीयत ख़राब होती है ना, मैं नहीं चाहता तबीयत ख़राब हो मेरी भी, किसी और की भी, जो व्लॉग देख रहे हैं उनकी भी,
किसी की भी तबीयत खराब ना हो, सब हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, समझ गए मेरी बात पे? रेबड़ी रेबड़ी रबड़ी, हेलो बाबा रेबड़ी। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ, सो गाइज आई एम थिंकिंग कि इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया जाए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लव कुमार सोनी व्लॉग्स के नाम पर, कुमार सोनी व्लॉग्स के नाम पर। और आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, सी यू।